में बैठे हिंदुस्तान की शान आर्मी में। खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा किस तरह से हर्षोल्लास के साथ जो है गीता महोत्सव का ये दिन आया और देखिए किस तरह से उसको मनाया जा रहा है। जी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, खबर को साथ के साथ शेयर करिए। एक सिस्टम के साथ जो है देखिए किस तरह कमांड देते हुए कमांडेंट जो है उसको अपने बैंड मास्टर्स को देखिए खबर को साथ के साथ चेक करते रहिएगा क्योंकि ये चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं और बहुत कुछ जिसको देखने के बाद एक रोंगटे के खड़े होने की बात होती है। किस तरह से हमारे देश की संस्कृति आपको यहाँ पर दिखाई देती है। कलाकृति की अगर बात करूँ यहाँ पर पेंटिंग करने के लिए बहुत बहुत जगह से गुजरात से पंजाब से हरियाणा से जो वो लोग पहुँचे हैं किस तरह देखिए अपने हुनर को दिखाते हुए। एक फिर आपको बता दूं किस तरह जो है ये जो टीम है कहां से आए आप? तो ये हरियाणा का जो कल्चर आपके साथ है हरियाणा का कल्चर ही आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। लोकप्रियता की बात करूं ये वो विदेश से आए कलाकार यहाँ पर आपको अपना हुनर दिखाते हुए दिखाई देंगे। खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा। सर्ग की अगर मैं बात करूँ जी देखिए ये वो वादन है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। लोकप्रिय की अगर बात करूँ ये वो धुनें हैं जिनको सुनने के बाद दिल में शांति और सुकून मिलता है। खबर को शेयर करिएगा। सत्तर साल के बुजुर्ग हैं अपने हुनर को दिखाते हुए। कौन सी जगह से बाबा जी? हाँ जी किठाना जिला कैथल। जिला कैथल से तो हरियाणा का लोकप्रिय है। जी हाँ ये साज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। खबर को साथ के साथ आप शेयर करते रहिएगा किस तरह से लोकप्रिय। क्या बताएंगे बाबू जी कहाँ से आए? हरियाणा से। कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया लगा। साल बाद आज बहुत बढ़िया लगा कि सब भाईचारा इकट्ठा हुआ, क्या बताएंगे? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। तो भाई आप कहाँ से हैं? मैं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से। हेलो बेटा, तो आप यहाँ पर देखने आए हो, कैसा लगा आपको? अच्छा। नाम क्या आपका? परी। जोर से बोलते हैं परी। कौन सी क्लास में? सेकंड। थैंक यू। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, हरियाणा तो यहाँ पर पहुँचा है और पंजाब और राजस्थान भी यहाँ पर पहुँचा है, हिमाचल यहाँ पर आएगा। और आपको बता दूं जो यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं देखिए खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा जिस तरह से यहाँ पर स्टॉल्स जो लगे है वो आपको मैं बता दूं किस तरह यहाँ पर जो है वेलकम गेट जो है एक तरह से स्वागत द्वार यहाँ पर बना है। उसके बाद आगे बढ़कर के ये स्टॉल्स जो आपको यहाँ दिखने वाले हैं एक अलग जो है पहचान, जी हाँ कुरुक्षेत्र की अलग पहचान यहाँ पर जो है वो आपको कुरुक्षेत्र की दिखाई देने वाली है। तो आपको दिखा दूं विधायक सुभाष सुधा थानेसर विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं जो यहाँ पर प्रिंटर्स आए हैं, पेंटिंग करने के लिए आए हैं, उनको हौसला अफजलाई करते हुए वो यहाँ पर दिखाएंगे। आज भी जाके इसकी प्रशंसा करेंगे क्षेत्र की? क्यों नहीं करेंगे, जो अच्छा है उसको अच्छा कहने में क्या दिक्कत है? वेरी गुड। आपका रहने का अरेंजमेंट ठीक है? अच्छे से हुई है, बिल्कुल सब बढ़िया। बढ़िया जी जी बढ़िया, अच्छा लगा। गीता की किस पे बना रहे हैं आप? ऑल ओवर गीता का संदेश दे रही हूँ। हाँ लोग हमेशा खुश रहे उस पे। क्या अच्छा गीता है, उसमें सुदर्शन चक्र है जो हमारी सारी परेशानियों को दूर करता है। गीता में से कोई भी अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो तो गीता में उसका हर परेशानी का सॉल्यूशन है। तो इसमें है मेरा ये पूरा का पूरा, और नीचे मेरा स्लोगन भी आएगा कि सब लोग हमेशा खुश रहे ऐसा। नमस्कार, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर से। हाँ भावनगर गुजरात से हूँ। क्या पहली बार है आप? नहीं मेरा तीसरा साल है यहाँ पे। हाँ मैं पूरा कुरुक्षेत्र भी घूमी हूँ, मुझे ये माहौल भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर बार जब भी चांस मिला है कुरुक्षेत्र को मैं हर बार आती हूँ यहाँ पे। दो बार वॉल पेंटिंग के लिए, तीसरी बार ये आर्ट कैंप में आई हूँ।
मुझे ये बात बहुत पसंद है। तो आपको बता दूं, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा यहां पर पहुंचे और अपने हाथों से उद्घाटन किया। खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा, कितनी खुशी का दिन आज है। खबर को साथ के साथ शेयर करिए। विधायक जी क्या कहेंगे, बहुत दिन बाद ये दिन है, आखिरकार इस दिन की खुशी आपको चेहरों पर दिखाई दे रही है। गीता धरती का अवसर आज से 7 साल पहले भी बनाया जाता था, बड़ा छोट बनाया जाता था, लेकिन गीता धरती, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में आई, हरियाणा प्रदेश में आई, तो गीता महोत्सव के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप देखिए 30 लाख लोग, कहाँ पर 300 लोग होते थे, आज 30 लाख लोग गीता जयंती के अवसर पर आए। लेकिन अब की बार भी हमने गीता जयंती का अवसर, आदरणीय हमारे मुकुल कुमार जी डीएम बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कार्य किया है। किस प्रकार से कलाकार, देखिए कहाँ कहाँ से कलाकार आए हुए हैं, अमृतसर से कलाकार आए हुए हैं, आपका गुजरात से आए हुए हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, तो कितने कलाकार हैं कि हमारा दिल करता है। कई कलाकार तो 5-5 बार आए हुए हैं, वो कहते हैं यहाँ आकर हमारा मन करता है कि गीता उत्सव हो और बार बार हम यहाँ पर आएँ। और मैं जनता से अपील करूँगा कि वो भी यहाँ पर बार बार आए। लेकिन अब की बार महामारी कोरोना के कारण लगातार 2 वर्ष हम गीता महोत्सव नहीं मना सके, लेकिन अब की बार भी गीता जब महोत्सव मना रहे हैं, मैं दावे से कहूँगा बहुत छोटा बनाया गया है, लेकिन आदरणीय डीएम साहब बैठे हैं कि छोटा नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा स्वरूप रहेगा। जिस प्रकार से जनता के अंदर इसका उत्सव है, बहुत बड़ा ये महोत्सव बनेगा, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और स्पेशल तौर पर मैं मीडिया के साथी से कहूँगा कि दिन रात आप इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा आप लोगों को, पूरा प्रदेश पूरा देश देख रहा है, इसी प्रकार से हमारी गीता महोत्सव को आप सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। ऑनरेबल डीसी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। सर कैसे बताएंगे, आज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत मुशक्कत बात ये दिन आया है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वर्ल्ड यहाँ पहुँचता है, पूरा देश यहाँ पहुँचता है, किस तरह मैनेज किया जाए। ये हमारी एक टीम पहले ही कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी, सारी जो तैयारियों को देख रही थी, ऊपर से लगातार हमें दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिलते रहे हैं, एमएलए साहब की तरफ से आशीर्वाद मिलता रहा है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है हमारा पूरा टीम वर्क को लेते हुए गीता जयंती का समारोह पूर्णतः सक्सेसफुल रहेगा। आपकी तरफ से क्या विश किया जाएगा, क्या वेलकम किया जाएगा? मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि मैक्सिमम संख्या में आएं और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी वो पालन करते रहें। तो हमारे साथ थे मुकुल कुमार, आपको बता दूं किस तरह